सड़क पर भारी जनसैलाब। पोस्टर और झंडे के साथ बेकाबू लोगों की भीड़। सड़कों पर सुरक्षा बलों का भारी जमावड़ा। रूस में कुछ ठीक नहीं है और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक हैं। दरअसल रूस की राजधानी मॉस्को में पिछले कई दिनों से राष्ट्रपति पुतिन और उनकी सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। मॉस्को की सड़कों पर सरकार के खिलाफ करीब 10,000 लोग एकजुट हो गए। इस दौरान लोगों की पुलिस से झड़प भी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। हाथों में पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन कर रहे ये लोग देश में स्वतंत्र चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि मॉस्को सिटी काउंसिल चुनावों से निर्दलीय और विपक्षी उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद राष्ट्रपति पुतिन की पार्टी की जीत का रास्ता साफ हो गया। अब ये लोग चाहते हैं कि निर्दलीय और विपक्षी उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने वाला फैसला वापस लिया जाए।